डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो की पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसकी समरी ये है, ये एक फेमिनिस्ट पोएम है जो क्रिटिसाइज करती है मेल वर्ल्ड को। आंट जेनिफर एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड बनाती है फ्रीडम का अपने लिए इन हर आर्ट, आर्ट के द्वारा। द टाइगर्स ऑफ आंट जेनिफर्स टीचिंग्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हर डिज़ायर ऑफ फ्री स्पिरिट। आंट जेनिफर जो टाइगर बनाती है अपने स्वेटर पे, वो उसकी जो डिज़ायर है उसकी इच्छा के सूचक हैं, ठीक है। एम्फसाइजिंग द फैक्ट दैट शी पाइंस फॉर फ्रीडम फ्रॉम हर बर्डनसम हस्बैंड। तो वो ये दिखाते हैं कि वो अपने हस्बैंड जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखता है, उससे वो छुटकारा पाना चाहती है, उसके फ्रीडम पाना चाहती है। तो पहला जो स्टांजा है, ओपन विद आंट जेनिफर की जो टेपेस्ट्री है टाइगर की, जो बना रही है, जो फियरलेस हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो ब्राइट टोपैक डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ग्रीन, जो ये दिखा रहा है कि ये चमकदार पीले रंग के टाइगर जो ग्रीन वर्ल्ड के अंदर है वो निर्भीक घूम रहे हैं। ये एक इमेज बनाते हैं कि टाइगर्स जो हैं अनअफ्रेड हैं, ठीक है, इन द जंगल। और दे इज ए सेंस ऑफ सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द वे दीज टाइगर्स मूव एज कैन बी सीन इन द लाइन। और ये एक सर्टेनिटी के साथ, एक निर्भीकता के साथ ये टाइगर घूमते हैं जो इस लाइन में हम देख सकते हैं। दे पेस इन स्लिक चिल्वाइरिक सर्टेनिटी, जिस तरीके से बहादुर योद्धा पहले घूमा करते थे उस तरीके से वो घूमते हैं। और सेकेंड स्टैंजा में जो है, द रियलिटी ऑफ आर्ट जेनिफर के जो जीवन की है वो बताई गई है। वो बहुत दब्बू किस्म की और कमज़ोर लेडी है जो एनस्लेव करके रखा हुआ उसकी फैमिली और समाज के द्वारा। उसके टाइगर्स उसके बिल्कुल अपोजिट हैं, जिसको वो बुनती है अपने स्वेटर में, अपने कार्डिगन में। उसकी जो फिज़िकल और मेंटल जो डिज़ायर है वो डिपिक्ट की गई है इस लाइन में, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। मतलब वो मानसिक रूप से इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो आइवरी नीडल को भी बड़ा मुश्किल से पुल कर पाती है। इवन दो ए वेडिंग रिंग डजेंट वेट महाराजा की शादी की रिंग की जो वेट है वो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर उसके वेट को बहुत ज़्यादा मैसिव भारी बताया गया है अंकल के वेडिंग रिंग का आंट जेनिफर के हाथ के ऊपर। वो सिग्निफाई करता है कि कितनी डोमिनेंस है उसके हस्बैंड के उसके ऊपर। और दिस आल्सो मीन्स दैट उसकी जो इनर फ्री स्पिरिट है हैज़ बीन जेल्ड बाय द सोसाइटी। उसकी जो अंतरात्मा को भी, फ्री स्पिरिट को भी सोसाइटी ने कैद करके रखा हुआ है। और लास्ट अंजा जो स्टार्ट होता है एक क्रीपी नोट के साथ अबाउट आंट जेनिफर्स डेथ, आंट जेनिफर के डेथ के बारे में वो बताता है कि इवन आफ्टर डेथ, उसकी जो मृत्यु के बाद भी शायद वो फ्री नहीं हो पाएगी जो अपने ऑर्डियल से, अपनी परेशानी से, जिसके जो उसने सारे जीवन उसने झेला, जो हम इस लाइन में देख सकते हैं। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग इन द ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय। तो उसके हाथ जो हैं अभी भी उसी परेशानियों से जूझते रहेंगे जो वो सारी जिंदगी परेशानी में रही, बट उसका आर्ट का वर्क है वो उसे बचाएगा और वो दिखाएगा कि उसकी इनर सेंस जो थी फ्रीडम चाहती थी, और जो हमेशा ही उसके जो टाइगर हैं निर्भीक और प्राउड और अनअफ्रेड ही घूमते रहेंगे। तो ये आंट जेनिफर एक जनरल जो एक गांव की लेडी की जो पीड़ा है उसको बयान करती है। इसमें पोएटिक डिवाइसेस जो यूज़ किए गए हैं, एलिट्रेशन है इसमें, फिंगर्स फ्लटरिंग आप देख लीजिए, एफ इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, प्रेंसिंग प्राउड में पी रिपीट हो रहा है, चिल्वारिक सर्टेनिटी में आप देख सकते हैं सी बार बार रिपीट हो रहा है, वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग तो इसमें आप देख सकते हैं डब्लू बार बार रिपीट हो रहा है, मेटाफोर है रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, और इसमें ट्रांसफर्ड इफिथेट है टेरिफाइड फिंगर्स, उंगलियां जो हैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं हालांकि उंगलियां डरती नहीं हैं। और इमेजरी इसमें शो की गई है आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन, ये एक इमेज बताई गई है कि आंट जेनिफर के टाइगर जो है वो बहुत तेज भाग रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जबकि स्क्रीन स्वेटर में तो कभी नहीं भागते, वो एक इमेज इमेजिन करने के लिए कहा है। एंड ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन भी एक इमेज है। आई होप आपको ये समरी समझ आई होगी।
आई होप इसके क्वेश्चन आंसर आप अटैम्प्ट करेंगे सर। थैंक यू।